वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। और मुझे तो अभी हमारे साथी बता रहे थे, बोले लव जिहाद शब्द जो है ना, वो सबसे पहले झारखंड में आया, झारखंड वालों ने शब्द दिया है। अब देखिए हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे, वो क्योंकि जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, पवित्र दिवस, तो तब से एक रविवार परंपरा शुरू हुई। अब यहां अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है, 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा, ये क्या चल रहा है भाई? साथियों, इंडी गठबंधन की देश विरोधी राजनीति का एक खतरनाक फॉर्मूला है, उनका फॉर्मूला है गौर सांप्रदायिक राजनीति करो, गौर तुष्टीकरण की राजनीति करो, अलगाववादियों को संरक्षण दो, आतंकवादियों का बचाव करो, और जो उसका विरोध करे उस पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा दो। इंडी जमात वाले धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आज जब बोल रहे थे कि ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री जी दया कीजिए देश पर, आप पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री है और आप कह रहे हैं कि रविवार को आपने जोड़ दिया उठाकर ईसाइयों से। रविवार सनातन धर्म का मुख्य आधार है, रविवार किस लिए है आपको बता दूं, आप तो बहुत समझते हैं सनातन धर्म को, आप स्टडी तो करो, ऐसे बेवकूफ बना रहे हो पूरे देश को। रविवार, रवि का मतलब क्या है? सूर्य, सूर्य के वार को रविवार कहा गया, सोमवार को भोलेनाथ के जड़ चढ़ाते हैं इसलिए सोमवार कहलाया। क्या होता है? सोम भगवान शिव का है, मंगलवार भगवान बजरंगबली का है, मंगल कौन है, ये जो जितने भी ग्रह है मंगल ग्रह सनातन धर्म में नहीं माना जाता, सूर्य ग्रह नहीं है, हम ही तो मानते हैं ग्रहों को सनातन धर्म के लोग, आज आप उन्हीं को चुनौती दे रहे, इतना क्यों घबरा रहे हैं आप? मंगल बालाजी महाराज का है, बुधवार बुध ग्रह का है, गणेश जी महाराज का है, विघ्न हरण मंगल करण अर्गण नायक गणराज प्रथम निमंत्रण आपको और सकल सुधारों का है, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार बृहस्पति देवता का, ये सनातन धर्म के अनुसार ही तो है, शुक्रवार शुक्र देवता का, शुक्र ग्रह का है, शुक्र ग्रह नहीं है क्या? ये सनातन धर्म के अनुसार ही है। अब आप उठाकर दे रहे हैं शुक्रवार, उनको बोले कि ईसाई धर्म का है, कैसे है ईसाई धर्म का? गुड फ्राइडे वो बोल सकते हैं लेकिन सनातन धर्म में भी शुक्रवार का महत्व है। शनि, पूरी दुनिया लगी हुई है लाइन लगा के तेल हाथ में लेकर शनिवार को जल चढ़ाती है, शनि महाराज से डरते हैं दुनिया, आप भी डरो थोड़ा, बजरंगबली की प्रार्थना होती है, लोग बजरंगबली को हाथ जोड़ते हैं कि शनि से बचाओ, तो ये शनि सनातन धर्म में तो उल्लेख है इन ग्रहों का। फिर रविवार आ गया, आप जिस रविवार को चुनौती दे रहे थे, फिर वो सूर्य को जल चढ़ाया जाता है, रोज चढ़ाते लोग, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप अपने काम पर वोट मांगिए, एक वोट काम पर नहीं मांग रहे, आपने किसी को आज तक ये नहीं बताया कि आपने काम क्या किया, काम आपका जीरो है, आप नोटबंदी पर कुछ नहीं बोलते, आप जीएसटी पर कुछ नहीं बोलते, आप बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोलते, आप महंगाई पर कुछ नहीं बोलते, 10 वर्ष के किए हुए कामों पर कुछ नहीं बोलते, अब तो आपने कमाल कर दिया, लोगों में चर्चा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध आपने रुकवा दिया था, वो ऐड भी आपने बंद कर दिया, ये तो देश, और आपने सबसे बड़ा पाप तो एक कर दिया, एसटी एससी के लोगों को, ओबीसी के लोगों को आप रिजर्वेशन पर कितना बोल रहे हैं, आप इस देश के 60% से ज्यादा संस्थानों को प्राइवेट कर चुके हैं, तो रिजर्वेशन तो अपने आप ही खत्म कर दिया आपने। मैं तो फिर अपील करूंगा एसटी एससी ओबीसी के लोगों से, रिजर्वेशन नाम की चीज मोदी सरकार ने पहले ही खत्म कर दी, जमीन पर चलने वाले, जमीन के अंदर पाताल में चलने वाले, हवा में चलने वाले सब डिपार्टमेंट आप प्राइवेटाइज कर चुके हो,
सारे डिपार्टमेंट अडानी जी की तरफ जा रहे हैं। आपने खान दे दिया, हवाई जहाज दे दिया, रेल दे दी, कोयला दे दिया, सब कुछ प्राइवेट दे दिया। है कहां रिजर्वेशन? रिजर्वेशन तो आपने खत्म कर दिया। रिजर्वेशन कांग्रेस लेकर आती है, बाबा साहब लेकर आते हैं, पंडित नेहरू महात्मा गांधी चाहते हैं कि सब लोगों को बराबर का अधिकार मिले, तो दलित के अधिकार आप छीन रहे हैं। इसलिए ये डायलॉगबाजी बंद करो, खुद के काम बताओ। टोटी खोल के ले जाएंगे, बताओ आप कमाल कर दिया। 10 साल पहले टोटी लगी हुई नहीं थी घरों में, मंगलसूत्र लेकर भाग जाएंगे। आपने जो काम किया था, जो जीएसटी आपने दी, आपने एमएसएमई में मारा, आपने बेरोजगारी कर दी, आपने नोटबंदी लगाई, आप लोगों के घर में घुस गए, आपने कहा 1 लाख से ज्यादा रुपए आप रख नहीं सकते, और आप कह रहे हो कि कांग्रेस वो करेगी, एक्सरे कर देगी घर घर का, कहां से कर देगी? राहुल गांधी कह रहा है हर घर में 8,500 रुपए महीने के मिलेंगे। आप तो 1,800 रुपए नहीं दे पाए, वो 8,500 रुपए देने की तैयारी कर रहा है। लोगों को रोटी चाहिए भाई साहब, जिसके घर में रोटी नहीं बनती ना सुबह शाम, उस दर्द को समझो मोदी जी। अब डायलॉगबाजी बंद करो, मैं लोगों से अपील करूंगा, मौका है कि लास्ट जो चुनाव हो रहा है इसमें सब आगे बढ़ो। इस देश में सबसे ज्यादा जिस कौम ने मदद की थी मोदी जी की, उस कौम को भी निपटा दिया आपने। एसटीएससी की तो रिजर्वेशन खत्म कर दिया आपने प्राइवेटाइज करके, और जो कौम, जो क्षत्रिय, जो राजपूत आपके साथ खड़ा रहता था, उसकी जितनी आप लोगों ने इंसल्ट की है, जितना अपमान किया, उतना किसी का नहीं कर सकते। तो उनसे भी अपील करूंगा, क्षत्रियों से, देश के राजपूतों से, कि अब लास्ट चुनाव में भी इनको ठोक के मारो, कांग्रेस को वोट करो, जिससे देश में मां बहन बेटी के आंख के आंसू रुक सके, जो बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है नौजवान, वो बच सके, और महंगाई से कोई तड़फे नहीं और कोई बच्चा भूखा नहीं सोए, उसके लिए जरूरी है कांग्रेस जीते, पंजा आएगा तो ये मानकर चलना देश के हालात बदलेंगे। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।